लॉरा मैरिनो की इस फिल्म को देखने के बाद आप इनके फैन बन जाओगे। हाँ दोस्तों, फैन बन जाओगे, समझ रहे हो ना। और दोस्तों नेटफ्लिक्स ने आज इस फिल्म को रिलीज कर दिया है जिसका नाम है द रॉयल ट्रीटमेंट। द रॉयल ट्रीटमेंट में कुछ ऐसा ट्रीटमेंट हमें देखने को मिल रहा है जो कि डॉक्टर अपने पेशेंट को भी नहीं देता। दोस्तों इस फिल्म में क्या कुछ बढ़िया देखने को मिला उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया गया है और फिल्म की ड्यूरेशन काफी कम है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि इम्पैक्ट और ज्यादा पड़ रहा है। इस फिल्म में लॉरा मैरिनो इजाबेल का रोल प्ले कर रही है जो कि न्यूयॉर्क शहर की काफी अच्छी हेयर स्टाइलिस्ट है और इनका सलून न्यूयॉर्क के बेस्ट सलून में से एक है और इसी वजह से इन्हें हायर किया जाता है एक प्रिंस की शादी के लिए। दोस्तों ये प्रिंस और कोई नहीं, यह है मेना मेसाउद, जिन्हें हम अलादीन फिल्म में देख चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा कमाल के एक्टर है। हालांकि इनकी फिल्म काफ़ी टाइम के बाद हमें देखने को मिल रही है। वैसे तो फिल्म अलादीन हिट हुई थी लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम के बाद इनकी नई फिल्म आ रही है। इस फिल्म में हमें लॉरा मैरिनो देखने को मिल रही है जो कि एक हेयर स्टाइलिस्ट है, तो इन्हें हायर किया जाता है प्रिंस की शादी के लिए क्योंकि दोस्तों प्रिंस थॉमस की शादी होने वाली है। इसके लिए इन्हें हायर किया जाता है जो कि इन्हें चेक दिया जाता है $50,000 का। हाँ दोस्तों, इनका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इसे सुनकर दोस्तों इनकी सहेलियाँ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, जिनकी कॉमेडी वाली सीन्स आपको देखने को मिलेंगी पूरी फिल्म में और आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। उसके बाद जो लॉरा मैरिनो यानी कि इजाबेल एंट्री ले लेते हैं कैसल में जहाँ पर प्रिंस थॉमस रहता है और एक कैसल की सीन्स हमें बहुत अच्छी देखने को मिलती है। VFX जो दोस्तों मेरे हिसाब से रियल सीन्स है और इस प्रकार का घर देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और यहाँ पर जो बैकग्राउंड सीन्स भी देखने को मिली वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की है। चलिए अब बात करते हैं इस फिल्म के नेक्स्ट लीड कैरेक्टर के बारे में जो कि है मेना मेसाउद। फिल्म में ये प्रिंस थॉमस का रोल प्ले कर रहे हैं। प्रिंस थॉमस एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। पूरी सिटी में दोस्तों इनके चर्चे हैं। हाँ दोस्तों, उसके बाद जो प्रिंस थॉमस है इनकी एंगेजमेंट हो चुकी है जो कि इनके मन के मुताबिक नहीं हुई है। फिर एंट्री हो जाती है इजाबेल की जो कि वहाँ पर अपने हेयर स्टाइलिस्ट के काम के लिए पहुँची है और दोस्तों वहाँ पर हमें इनकी काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री भी देखने को मिलती है जो कि फिल्म में आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेंगी और ये फिल्म के बहुत अच्छे सीन्स में से एक है। इसे देखकर आप बहुत ज़्यादा एंटरटेन होते रहोगे, इस बात में कोई डाउट नहीं है। फिल्म में दोस्तों इनका दोनों का रोल बहुत बढ़िया देखने को मिला, साथ में केमिस्ट्री भी और एक्टिंग जो देखने को मिली है मुझे इजाबेल की यानी कि लॉरा मैरिनो की, वो तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की है। दोस्तों इस प्रकार से स्टोरी आगे बढ़ने लगती है जहाँ पर कुछ छोटे छोटे ट्विस्ट भी देखने को मिलते हैं। हालांकि जो प्रिंस थॉमस है वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं लेकिन इनकी स्टोरी भी काफ़ी अलग होती है और इनकी फैमिली के भी इंटरफेरेंस हमें देखने को मिल जाता है। धीरे धीरे इनका कनेक्शन बिल्ड होने के बाद और कई सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है जब इनकी फिल्म यानी कि इनकी वेडिंग पास में आ जाती है। यानी कि दोस्तों प्रिंस थॉमस की जब वेडिंग पास में आ जाती है और दोस्तों और भी ज़्यादा हमें कमाल की चीज़ें देखने को मिलती है, कई सारे ट्विस्ट उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं। मैं आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा क्योंकि फिल्म 1.5 घंटे की और ऐसे में आपको स्पॉइलर दे दूँगा तो आपको ज़रा भी मज़ा नहीं आएगा इस फिल्म को देखने में। फिल्म में दोस्तों पर्सनली मुझे इजाबेल का रोल बहुत बढ़िया देखने को मिला, जिनका मैं फैन बन चुका और आप भी बन जाओगे जो कि मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। फिल्म की हिंदी डबिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और फिल्म में कॉमेडी भी कुछ हद तक अच्छी दी गई है और खासकर दोस्तों प्रिंस थॉमस का रोल भी बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी फिल्म है। दोस्तों यही था मेरा रिव्यू फिल्म को लेकर। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए।